बनना होगा। देखा टाइम पिकअप करने में कितनी मेहनत लगती है, देखा। खेल में टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाओ थोड़ा आराम कर लो। भाई तू टाइम पिकअप करेगा कि नहीं, ये सोचकर मुझे डर लग रहा था। मुझे यकीन था मैं टाइम पिकअप कर लूंगा। सर ने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। यहाँ पर सिर्फ पानी मिलता है, ग्लूकोज के लिए हर कोई यहाँ से बाहर ही भागता है। अच्छा गायत्री तुझसे मिली कि नहीं? ए, थोड़ा आहिस्ता बोल, सर के कान बहुत तेज है। इंसान को हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हाँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। ओके बॉयज अब चलते हैं, हाँ, सर। शाम को 5 बजे फिर से यहीं मिलेंगे, ठीक है? ओके? सर ये जब भी प्रैक्टिस खत्म होती है तेरा कुछ ना कुछ रहता है, चल जा। कौन है देखना जाके। ए कहाँ है तू? और कहाँ रहूंगा, उतनी दूर से तेरा खेल देखने आया हूँ, तू पूछ रहा है कहाँ हूँ? कोयम्बटूर बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से मुझे पिकअप कर ले। ओके टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, रिलैक्स रहना। कौन था बेटा? मुझसे मिलने मेरा दोस्त आया। मुश्किल से तेरी टाइमिंग सही हुई है, और फिर से डिस्टर्ब करने कोई आ गया? हाय। बोल बे। तेरी आंखों में देखकर भक भक करके मेरे दिल में शमा जल उठती है। मेरे प्यारे मुझे लगता है तू शायर बन गया। ए, लव हो गया मुझे और क्या। तुझे? यस। कौन है वो अनलकी गर्ल? सेकंड ईयर हिस्ट्री डिपार्टमेंट। कीर्ति नाम है। नया नया स्टार्ट हुए 4 दिन हुए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसका लव कंफर्म है या नहीं इसका थोड़ा सा डाउट है। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं जैसा कहता हूँ वैसा किया तो वो कंफर्म मान जाएगी। सोच कि तेरी महबूबा तेरे सामने है, तू उसे एक बार देख के छुप जाता है, जब तू उसे नहीं दिखेगा तो वो तुझे जरूर ढूंढेगी। ए गायत्री, हाँ? गाड़ी जाने का इंतजार कर रही है क्या? जाओ तुम लोग, मैं दूसरी बस में आ जाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। जब वो अकेली हो तब तू उसके सामने हीरो की तरह एंट्री मारना। तू भी ऐसे ही कुछ करना। ए कीर्ति, ये बस नहीं जाती, मत जा। हाँ हाँ पता है पता है, वो लोफर कब से दिखना हमें ही घूर रहा है, मुझे डर है उसे मेरे घर का पता न चल जाए। आगे जाके बस बदल लेंगे। वो गायब हो गई भाई। ये बात है। तुझे एक बात बताता हूँ प्यारे, आजकल की लड़कियां ना हमसे बस यही चाहती हैं कि हम उन्हें घूरते रहें और अपनी आंखों से दूर ना होने दें। ऐसा ही कुछ करना। दुम नहीं है वरना हिला देता। एक्सक्यूज मी, प्लीज, अरे सुनो। नहीं मेरे भाई। प्यारे तू एक काम कर, इस बार कुछ कहा तो हमारी दोस्ती खत्म। ठीक है, ओके प्यारे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ए कहाँ जा रहा है? मेरे साथ मेरे रूम पे चल। नहीं मेरे बाप, लव करने वाले के बाइक पे नहीं चढ़ना है, भरोसा नहीं, बीच रास्ते में ही छोड़ के निकलने तो ऐसे सीन होने का चांस ही नहीं लूंगा। किसी धर्मशाला में रुक जाता हूँ, सुबह तैयार होके ग्राउंड पे मिलूंगा। बाय। नमस्ते भाई।
बेल पेटिशन के लिए गया था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। वो छोड़, भाई कहाँ है? यहीं पर है। चल। कोच्चि की पार्टी को पता भेजा क्या? नहीं भाई, डीसी हमारी हरकतों को ट्रेस कर रहा है। वो बैंक वाला लड़का जब से विटनेस बना है वो हमारे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है, इसलिए आपका इंतजार कर रहे थे। 25 साल से हूं मैं इस धंधे में, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी को माल लेट पहुंचाओ। आज रात किसी भी तरह उस लड़के को ढूंढ कर निकालो, आज उसका फैसला हो जाना चाहिए। कल रेस में जो फर्स्ट और सेकंड आएगा सिर्फ वही एशियन गेम्स खेलेगा। टाइमिंग जरूरी है पुगल। हाँ। आज पूरी रात हम लोग रेस्ट करेंगे, हम सब सुबह जल्दी उठेंगे और थोड़ा वार्म अप कर लेंगे। और बेकार में टायर्ड मत होना, समझ गए? ओके, लेट्स मूव। तुम लोग जाओ। बोलो गायत्री। दिनेश सुबह दोस्त के घर अन्ना नगर जा रहा हूँ कहकर गया था, अभी तक नहीं आया। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, देखो कि क्या बात है। ठीक है, उसका नंबर मुझे मैसेज करो। ठीक है सर। हाँ? सर गांव से मेरा एक और दोस्त आया है। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ ओके सर। हेलो 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 दिनेश, मैं पुगल बोल रहा हूँ, कहाँ पर हो तुम? हेलो पुगल, मेरी जान खतरे में है। मैं चंदानगर में हूँ। हेलो, हाँ चंदानगर में, किधर? चंदानगर में। हेलो हेलो हेलो, सारे पैसे बिखेर दिए।